ये प्रकाशित होता है तो उसके लिए कोई उपाय होगा, यदि उपाय होगा तब क्या हो जाएगा, द्वैत जो अद्वैत सिद्धांत ज्ञान है। आज यदि प्रकाशित नहीं होता तब तो तुम्हारा पुरुषत्व सिद्ध नहीं होगा, मतलब दोनों पक्ष से तुम्हारे पक्ष में दोष आता है, ऐसा कथन करने पर बोलते नहीं नहीं अन्न, क्योंकि हमें हमेशा अन्नान्न वस्तु का ज्ञान जैसे होता है ऐसे ही यहाँ भी ऐसा ही ज्ञान होगा, ये भावना दूर बैठा होगा। क्योंकि संसार में सारा वस्तु ज्वर है वो आत्मा के द्वारा प्रकाशित हो गया, आत्मा एक मात्र विषय का है वो स्वयं प्रकाश, इसलिए एक विषय किसी की अपेक्षा नहीं करता, अपने आप ही अपने में अभिव्यक्त हो जाता है। यहाँ तक हम कल कर ली तो 36 तक ना, 35 तक, अब 36 शुरू होगा। तो ये जो जिस ब्रह्म की ब्रह्म स्थिति तदैव ही निर्भ्रम ब्रह्म जो बताए इस ब्रह्म की स्थिति कैसे होती है उसको व्याख्यान करने के लिए अगला प्रकृतम एवं टीका में 36 के लिए टीका, प्रकृतम एव ब्रह्म प्रकारांतरेण निरूपयति। प्रकृतम मतलब जिस ब्रह्म स्थिति को मन प्राप्त किया हुआ है उस ब्रह्म को ही जो प्रकृतम मतलब जिसको लेकर के विचार किया जा रहा है उस ब्रह्म को प्रकार अंतर से दूसरे प्रकार से दूसरे प्रकार करते कि विद्वान उसको किस दृष्टि से देखते हैं। शास्त्र तो जनरली अज्ञानी के ही होते हैं, विज्ञान के लिए शास्त्र नहीं होता, परंतु अनुभव विद्वत अनुभव को लेकर के अज्ञानी को समझाने के लिए कहा जाता है। इसलिए यह प्रकार अंतर में मतलब विद्वान उस अवस्था को कैसे आनंद मतलब कैसे अनुभव करते हैं उसको कहने के लिए अगला ग्रंथमक शुरू होता है। यहाँ पर देखिए 6 नंबर और 7 नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रहे हैं। 6 नंबर टिप्पणी मतलब समाहित मन अवस्थमिति भाव प्रकृतम एव, जो मन जिस समय विभ्रीत हो गया समाहित हो गया उस समय मन की स्थिति कैसे होता है उसको प्रकारांतर मतलब विद्वत स्वरूप बनते हैं, विद्वान का वो स्वरूप होता है उस रूप में उस मन की व्याख्या करता है। तो ब्रह्म मन तब अधिष्ठान के साथ एक हो जाता है, कुछ गिर जाए उसकी स्थिति कैसी होती है उसको व्याख्यान करने के लिए क्या है कि हमको लगता है कि कुछ तो नहीं है कुछ अनुभव नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है, कुछ आपको अनुभव होगा। वो क्या स्थिति अनुभव होता है उसको समझाने के लिए अगला श्लोक बोलते हैं। अजमनिद्रमस्वप्न मनामकमरूपकम् सत्कृद्विभातं सर्वज्ञम् नोपचारः कथञ्चन अजमनिद्रमस्वप्नमनामकमरूपकम् सकृद्विभातं सर्वज्ञम् नोपचारः कथञ्चन। एक एक क्लेश नाश हो जाता है, सबसे लास्ट क्या था क्लेश अभिनिवेश क्लेश है ना, सारा ये मैं जो मन जाऊँ ये जो क्लेश एक एक करके क्लेश नाश होता है। तो जैसे हमें अपना पूर्णता जब मतलब जब पहले हमको इसमें तो जन्म मृत्यु है ही नहीं, इसमें जन्म मृत्यु नहीं है, शुरू तो आत्मा में जन्म मृत्यु भी नहीं, यानी जो कल्पित था शरीर को कल्पना को लेकर के हमने कल्पना के जैसे होते हैं अजम अभिनिवेश क्लेश दूर हो जाता है, अभिनिवेश का दूर हो जाता है। फिर जो है कि हमारा क्या होता है कि अविद्या और अस्मिता है ना, अविद्या को अज्ञान मतलब नित्य को अनित्य को नित्य समझना दुख को सुख समझना इस प्रकार से जब तो सूची को असूचि को सूची समझना ठीक है अविद्या स्थिति, तब बोलते हैं नहीं आप भी नहीं, क्योंकि पहले ये निद्रा और मतलब अविद्या निद्रा और स्वप्न की परिभाषा देकर के आए थे, अन्यथा गृहते स्वप्न निद्रा तत्व अजानत विपरजाशे तयोक्षीणे तूर्यम पदम सुनते निद्रा क्या है कि निद्रा है तत्व की अज्ञान और स्वप्न क्या है ये अज्ञान के कारण जो अन्यथा ग्रहण होता है ना, अग्रहण और अन्यथा ग्रहण, अग्रहण हो गया निद्रा और अन्यथा ग्रहण हो गया स्वप्न है ना, अग्रहण के बिना अन्यथा ग्रहण नहीं होगा, निद्रा के बिना स्वप्न नहीं आते, जब आप सोते हैं तभी ना स्वप्न देखते हैं, इसीलिए आपके निद्रा और स्वप्न के वेदांत में परिवर्तन मतलब पारिभाषिक शब्द है क्या बोलते हैं निद्रा मतलब अन्न और अन्यथा गृहते स्वप्न निद्रा तत्व अजानत, ये तत्व की अज्ञान ही निद्रा है, अधिष्ठान तत्व के अज्ञान ही उस अधिष्ठान को अन्य रूप में समझने में मजबूर करते हैं। अग्रहण से अन्यथा व्यवहारिक जगत में भी आप देखते हैं वेदांत के किसी भी की जगत मतलब नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट एवरी वेयर इज द कॉज ऑफ ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग।
निद्रा ही चला जाता है, मतलब आपका अज्ञान नाश हो गया, अब ग्रहण नहीं रहा, अभी अभी ग्रहण हो रहा है स्वरूप का, फर्क लग गया, अन्यथा ग्रहण भी नहीं होगा, मतलब स्वप्न भी नहीं देखेगा, ना एक जन्म में मरने वाला जीव ये भाव नहीं जाएगा, मैं असंग पूर्ण व्यापक शिव हूँ। इस प्रकार से अजम अनित्यम अस्वप्नम। अच्छा फिर जो है राग द्वेष क्यों होता है, नाम रूपात्मक वस्तु में राग द्वेष होता है, ये द्वेष भी चला जाएगा, अनामकम अरूपकम, मतलब मैं नाम और रूप से रहित हूँ, मतलब यहाँ पे इंद्र की व्यापार नहीं हो सकता, इसके बता नाम और रूप से रहित मैं असंग पूर्ण व्यापक रखता कुछ पता स्वयं है ना, मैं जन्म मृत्यु से रहित, और वहाँ पे ग्रहण नहीं है इसलिए अन्यथा ग्रहण भी नहीं है, अन्यथा ग्रहण नहीं मतलब शरीर में भी तादात्म्य हो जाता, शरीर है शरीर नहीं देने तो उसके साथ तादात्म्य मतलब हो जाता है, केवल अपने शरीर नहीं जहाँ कहीं भी नाम रूप दिखाई दे रहे हैं परमात्मा सत्य वस्तु नहीं है, और क्या कहता है राग द्वेष में चला जाता है। पांच शब्द प्रयोग किया, अजम अनित्रम अस्वप्नम अनामकम अरूपम, अजम अनित्रम अस्वप्नम अनामकम अरूपम, है ना, नाम रूप को राग द्वेष को लेकर के बोला गया है, और अजम मतलब अपना क्या हो गया, अब जन्म रहित अभिनिवेश के चला गया है, और अनित्रम अस्वप्न मतलब अग्रहण और अन्यथा ग्रहण, अग्रहण हो गया नेत्र मतलब अविद्या, और स्वप्न हो गया अन्न अस्मिता, अविद्या अस्मिता दिग्ग विश्व ने तादात्म्यता कर दिया, अन्नता ग्रहण हो गया, दृष्टक वाला नहीं समझा, दृष्टक को विष्णु का मिला के समझा है ना, जो पंच क्लेश का जो है नाश हो जाता है, अजम अनित्यम क्यों इसको बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पहले पंक्ति में देखिए जस्मात सर्वाभि अविद्यादि प्रत्यय बीज वासना भी, वहाँ पे आदि शब्द से क्या बोले थे आप अविद्यादि भी आदि शब्द में अस्मिता रागादय गृहते, तो इसी को निराकरण करना है आपको, किंतु पंचकृष का निवृत्ति हो जाएगा, क्या इस शब्दों के साथ पंचकृष मिलता है आपको, इसलिए मैं इस प्रकार से अर्थ कर सुधा सीधा को नहीं मिलता, किंतु अजब मतलब अभिनिवेश क्लेश चला गया जन्म मृत्यु से लेकिन क्यों चला गया, क्योंकि अभी आपका अज्ञान नहीं है, अज्ञान नहीं होने के कारण अग्रहण अन्यथा ग्रहण भी नहीं है, मतलब शरीर में तादात्म्य बुद्धि भी नहीं है, केवल अपने शरीर में नहीं बाहरी वस्तु में सत्य बुद्धि का नाम रूप में वो भी चला जाता है। चलिए अच्छा तो रहता क्या है, रहते रहते सत्य के भाव एक बार ये स्वरूप, जिस प्रकार आपने एक अग्नि को जलाया, अब उस अग्नि को जलन किया वो कंटिन्यू करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ईंधन देना पड़ता है, ईंधन देना पड़ता है, तो ये एक ऐसी प्रकाश है कि इसको है कुछ नहीं, एक बार प्रकाशित हो गया हमेशा हमेशा प्रकाश बना रहेगा, ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त नैनम प्राप्त बिंदु है, ये इसी को हम ब्राह्मी स्थिति बोलते हैं, इसको एक बार प्राप्त करने से मनुष्य मोहित नहीं होता, चित्ताशम अमित काले समय तक एक हमारे साथ है, ब्रह्म निर्माण मनुष्य व्यापकता रूप जो है निर्माण मतलब जहाँ कोई चुपधा नहीं है, है ना, इस प्रकार की स्थिति को वो प्राप्त कर लिया, इसके बाद सत्य विभागम एक बार प्रकाशित होकर के जलता ही है, मतलब प्रकाश हमेशा बना रहता है, सर्वज्ञम अब क्या हो जाएगा कि वो सबको जानने वाला नहीं है, सर्वस्य अश्रुघ्नश्च सर्वम जाना भी तो सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि सर्व कुछ रह नहीं गया, प्रतीति मात्र निश्चय हो गई, इसलिए क्या देखता है जो भी कुछ अलग अलग रूप में दिखाई पड़ता है वो क्या है, वो मैं ही हूँ, सर्वस्य अश्रुघ्नश्च ये सर्व रूप मैं ही हूँ, और किस रूप में हूँ, मैं चेतन रूप में सबके अंदर विद्यमान हूँ, सत्ता रूप में सबको विद्यमान, इसलिए सर्वज्ञम ये भाव है। इस प्रकार स्थिति को प्राप्त करने के बाद और कुछ भी साधन की आवश्यकता न उपचार का खर्च, उसको बना के रखने के लिए आप और कुछ साधन करना पड़े उसका आवश्यकता, बस जैसा आ रहा है उसी करें, न उपचार मतलब कोई भी उपाय अथवा इसको बना के रखें, कथन चलने किसी भी प्रकार से इसका आवश्यकता नहीं है, मतलब फिर हम समाधि लगाए फिर हम इसको सोचे ये कुछ आवश्यक, वो अपने आप ही ऐसी स्थितियाँ बनाई रहते हैं, वो आपने ये क्या है पेड़ है, पेड़ आपने जान लिया फिर आपने जेब में रखा जब आवश्यकता है निकल करके दिखा, जब आवश्यकता नहीं है इसको लेकर ये पेन है पेन है पेन है पेन है, ना आपको जब करना पड़ेगा ना आपको इसका ध्यान करना पड़ेगा, बस है अपने अस्तित्व मात्र का अनुभूति है, तो चलिए आगे बोला अजम अनित्रम अस्वप्नम अनामकम अरूपकम सकृत विभाग है,
बस एक बार प्रकाशित होकर के हमेशा और प्रकाश उसी स्वरूप वो स्वयं प्रकाश है मूल प्रचार का कथन करें इसके लिए भी कोई अभ्यास की आवश्यकता नहीं है अपने आप ही बन रहे हैं। अब जो है देखिए टीकाकार क्या लिखते हैं प्रकृतमेव ब्रह्म प्रकारांतरेण निरूपयति हो गये न च तस्मिन् निरुपाधिके ब्रह्मणि ज्ञाते कर्तव्य शेष संभवति ठीक है ना। क्या बोला वो यदि एक बार उस अपने निरुपाधिक स्वरूप का बोध हो जाता है कि संसार में कुछ भी नहीं बच सकता इसीलिए भगवान श्री कृष्ण दो बार बोला जो जगत है कि कर्मणि अकर्म ज पश्येत अकर्मणि च कर्म ज सबुद्धिमान मनुष्यु सयुक्त सकृष्ण कर्म की कृष्ण कर्म की कृतकृत का जितना भी मनुष्य चरित्र पर करना था वो काम हो गया और कुछ करने के लिए कर्तव्य बुद्धि नहीं हो। और पंचदश अध्याय में भी बोला पंचदश में क्या बोला क्योंकि गुह्य तम शास्त्र बुद्धा बुद्धि मनुष्य कृतकृत गुह्य तम शास्त्र को एक अध्याय में बोल दिया ना इस प्रकार से ये जो है इसको प्राप्त होने पर और कुछ कर्तव्य कोशिश मन में भावना ही नहीं होती कि हम साधु न कर्म कि हम साधु का इस प्रकार से विरुद्ध हो गया अरे मैं पूर्ण कर्म क्यों नहीं करता हूँ मेरे पाप कैसे हो गए ये सब भावना आता ही नहीं मुझे भावना आता ही नहीं मन में इसी को मन में रखते बोलते हैं न चल तस्में निरुपाधि के ब्रह्म ने ज्ञाते उस निरुपाधि व्यापक तत्व की बोध हो जाने पर कर्तव्य शेष न संभवती आगे कर्तव्य था कि बुद्धि मन में उत्पन्न ही नहीं होता होना संभव ही नहीं है इसलिए हमने क्या बोला ये प्रतीक में क्या लिखा नौ ये प्रतीक कहाँ लेंगे ये जो नौ प्रतीक दिया नौ ये प्रतीक कहाँ लेंगे हाँ नौ उपचार भाष्य मूल ठीक है श्लोक में मूल श्लोक में नौ उपचार कथन से टीका का श्लोक की व्याख्यान करना है ना अभी तक भाष्य को बंद कर नहीं दिया इसलिए न तस्मिन् निरुपाधि के ब्रह्म ज्ञान कर्तव्य शेष संभवति दिया ये न न ये प्रति कौन सा लेंगे न उपचार कथन से वहाँ पे लेना फिर जो है अजत्रम उपपादयति है ना ये जो हमारा स्वरूप जन्म मृत्यु से रहित है मैं जन्म मृत्यु रहित हूँ इसको युक्ति पूर्वक समझा रहे हैं तो भाष्य में आगे जन्म प्रति भाष्य में जन्म निमित्त अभाव है ना उत्पत्ति होने के लिए कोई निमित्त ही नहीं रहेगा जन्म निमित्त अभाव वही तो एक तत्व को लक्ष्य बाह्य अभ्यंतर बाह्य और अभ्यंतर के सापेक्षिक शब्द है किसी के सापेक्ष में बाहर किसी के सापेक्ष में अंदर है ना तो यहाँ पे बोलते हैं जब तक शब्द का प्रयोग किया मतलब इस शरीर के सापेक्ष में शरीर के सापेक्ष में अंदर और बाहर ये सारा एक ही तत्व है और वो जन्म ही तत्व सुखी वक्त है स्वाह्य अभ्यंतर अब प्राण ही अमनाशु बृह अक्षरा पर है वो प्राण और मन से नहीं है अब पर अक्षर शरीर पर है वो इसलिए जन्म निमित्त अभावात स्वाह्य अभ्यंतर और अंतर और बाहर पूर्ण रूप से विद्यमान है वो जन्म नहीं जा सुखी आ सकेंगे जन्म होता क्यों है अभी तक हम अपने को जन्म तो मानते हैं तो अज्ञान से मानते हो जैसे अज्ञान से लज्जी के ऊपर सर्प की उत्पत्ति हो जाती है किसी प्रकार स्वरूप की अज्ञान के कारण शरीर की उत्पत्ति की प्रकृति होती है इसीलिए बोलते हैं अविद्या निमित्तम ही जन्म अज्ञान के कारण ही जन्म की प्रकृति होती है अविद्या निमित्तम जन्म रज्जु सर्ववत रज्जु के ऊपर दिखाई देने वाले स्वर्ग के समान क्योंकि अवोचामो ऐसा हम पहले भी कथन करके आया ऐसा हम पहले भी कथन करके आया इसके रूप में अविद्या निमित्त जन्म रज्जु सर्ववत यदि अवोचामो अच्छा अब क्या हुआ आज भी आप तो जन्म नहीं क्यों नहीं हुआ वो तो अभी वो अज्ञान नाश हो गया कैसे नाश हो गया साच अविद्या आत्मसत्त अनुबोधेन निरुद्धा जतः क्योंकि मतलब समय लग क्योंकि वह भी क्या हुआ वो अविद्या बार 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 जागृत काल में बैठ करके आप अपने शरीर से तादात्म्यता को छोड़ने का अभ्यास कर रहे हैं जागृत में बैठ करके मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ मुझ में कारण तो है ही नहीं अज्ञान है इस प्रकार बार बार विचार करते करते आप फिर पूर्णतः अनुभव हो जाता है उस समय क्या होता है कि आत्मस्वरूप संबंधित अज्ञान नाश हो जाता है साक्ष अविद्या आत्मसत्य आत्म ही सत्य है आत्मसत्य कतिकाल अवाधत्म सत्य तीनों काल में बाधित नहीं होता तो जन्म मृत्यु कहाँ से आएगा जन्म मृत्यु कहाँ से आएगा
यहाँ पे सब सब प्रार्थना करेंगे, त्रिकाल अवादत्तम सत्यत्व, तीनों काल के बाधित ही नहीं होता, जो बाधित होता है उसकी उत्पत्ति होती है। नाम मान बोध है ना, इसके बार बार गुरु मुख से शास्त्रवाक को सुन करके और ब्रह्माकार वृत्ति के माध्यम से अनुभव हो जाने पर ये अनुबोध शब्द का, आत्मसत्य अनुबोध शब्द का एक पूरा अध्याय है ये, है ना। आत्मा ही सत्य अनुबोध तत्व शास्त्रवाक को गुरु मुख से सुन करके और मनन निधि दर्शन के माध्यम से वो अनुबोध होना, इसको बोलते हैं आत्मसत्य अनुबोध। अपने स्वरूप का बोध हो जाने पर मन दुशा अविद्या निरुद्धा हो, अविद्या अभी फंक्शन नहीं कर रहे नाश हो गया। अच्छा अब क्या हो गया, जब हमारा वहाँ पे अधिष्ठान संबंधित अज्ञान नाश हो गया तो अधिष्ठान के ऊपर भ्रांति से जो वस्तु दिखाई दे रहा था तो हम निश्चय कर लेते हैं तीनों कर्म सर्व वहाँ पे आई, जिस समय मुझे दिखाई दे रहा था उस समय भी सर्व वहाँ पे, मैं स्वयं निश्चय करता हूँ कि किसी प्रकार जिस समय में अपने को अज्ञानी मान करके शास्त्र आदि के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति के प्रयास कर रहा था वो भी वास्तविक है, अज्ञान का ही महिला वास्तविक हो रही है। आत्मा नित्य ही, आत्मा में शुद्धता नित्य ही, आत्मा में साधन नहीं है, साधन मन बुद्धि में कहाँ है, साधन मन बुद्धि में, आत्मा तो हमें इस मतलब साक्षी रूप में विद्यमान रहते हैं। अत अजम अतएव अनिद्रम, अब क्या है उनको समझ में आ गया कि आत्मा ही परमात्मा सत्य वस्तु का अनिद्रा क्या था, निद्रा तत्तम अजान, अब तत्व की अज्ञान नहीं रह गया, अब तत्व का ज्ञान हो गया, इसलिए अनिद्रा अजम अनिद्रम असत्म अद्वैतम बुद्ध के तरह अनादि मायना शुद्ध या जगा जीव प्रबुद्ध के अजम अनिद्रम असत्म अद्वैतम बुद्ध के तरह। जो पहले बोल कर गया अजम अनिद्रम असत्म है, कुछ शब्द यहाँ पे रिपीट कर अजम अनिद्रम असत्म बुद्ध देवी, ये हमको लगते हैं फर्स्ट प्रोग्राम में 14 या 15 श्लोक होगा। अनादि माया शुद्ध जला जीव प्रबुद्ध दे अजम अनिद्रम असत्म अद्वैतम बुद्ध देवी, मतलब ग्रंथकार शैली को देखिए जो पहले प्रतिग्रह करके आए थे उसी को प्रतिपादन करने के उसी शब्द का अभ्यास करें उसी को रिपीट करता हूँ समझा है, बस इस स्थिति को प्राप्त कराने के लिए मैंने प्रयास किया, अब देखो इस स्थिति को उनको प्राप्त हो गया। अजम अनिद्रम अस्वप्नम अनादि माया शुद्ध जदा जीव प्रबुद्धते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुद्धते। आत्मसत्व अनुबोध हो गया कि अनादि आपका प्रबोध हो गया, आत्मा है ना, आत्मसत्व अनुबोध अनादि माया निद्रा से अभी अब जगने से क्या हो जाएगा अनिद्रम अस्वप्न, इसलिए अनुबोध है कि अतएव अनिद्रम। दो नंबर टिप्पणी मतलब तत्व अनिद्रम तत्व अज्ञान रहितम, ठीक है ना, आप तत्व की अज्ञान नहीं रहेगा आपका उसे रहित हो गया, तत्व अज्ञान सहितम और तत्व अज्ञान रहितम, हम हो गया तत्व अज्ञान सहित हो गया, इसलिए हो गया एक अति हो गया हमारा अनिद्रम, निद्रा हो गया तत्व की अज्ञान, निद्रा तत्व अजान अनिद्रम क्या हो जाएगा तत्व अज्ञान से रहित है ना, उसका अनिद्रम इसलिए पहले बोला अतएव, इसी कारण से अपना निद्रा से भी रहित है। अब फिर आगे देखिए निद्रा क्या अवस्था है, अपने अविद्या लक्षणा अनादि माया निद्रा, ठीक है, एक बार बोल कर क्या फिर निद्रा वेदांत तो में निद्रा किसको बोला जाता है, हमको लगता ही नहीं है कि हम सोए हुए हैं, हम तो लगते हैं कि हम जा एक बार क्या हुआ मुझे एक मोदी की तरफ मुझे स्कूल ऐसे समाप्त जो बच्चों को मानने के लिए गया था तो उस समय देखा था बालिका जागरण दिवस, बालिका जागरण दिवस ऐसा कुछ था उसको लेकर मुझे पता नहीं उस दिमाग को मिली होता कि हम बड़े सामने बच्चे लोग के लिए बोली और क्या बोलना चाहना था, तो मैं फिर भी बोले यहाँ पे क्या लिखा है, जब बालिका आप जगे हैं कि सोए हैं, अब यह देखो आप लोग जो सोए हुए व्यक्ति को जगाया जाता है, यह तो बोलता आप तो जगे हैं क्या कि सोए हैं, जो मतलब हम हमारी कर्तव्य अथवा हमारी समाज के प्रति हमारी ड्यूटी क्या है, कैसे हम इसके प्रति हमारी जागरूकता नहीं है, है ना, हम जग करके भी सो रहा है, जो सही में सोता है उसको जगाना आसान है और जो जग करके सोता है उसको जगाना बहुत कठिन है, लेकिन ये बताइए जब हमारी निद्रा हो गई हम चलते रहते ठंडी में चलते महाराज उठो उठो, हम जो सो रहा है वो तो उठ जाएगा
जो सो करके निद्रा की भान करता है उसके रूप में हम लोग जिस जब के सोते हैं ना, इसलिए क्या होता है हमारे लिए जगना कठिन पड़ता है। हमको लगता है कि हम तो जगे हुए हैं, ये जो हम अपने स्वरूप के प्रति हमारी पारमार्थिक कर्तव्य के प्रति हमारा जागरूकता नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं अविद्या लक्षण अनादि माया निद्रा। अविद्या के द्वारा लक्षित होता है जो अनादि माया, उसी के यहाँ पे निद्रा शब्द के द्वारा कहा गया। मतलब इस निद्रा प्रयुक्ता इति शेष, मतलब इस अनादि माया से जो व्यवहार होता है वो निद्रा के समय जो स्वप्न देखते हैं उसको निद्रा बोल सके, प्रयुक्ता इति शेष उसको मतलब प्रवृत्त मतलब प्रेरित होकर के हम व्यवहार करते हैं। अच्छा फिर आगे स्वापात प्रबुद्ध अद्वैत स्वरूपेण आत्मना अतो अस्वप्नम। अब क्या होता है वो सुख निद्रा से जग गया, स्वापात प्रबुद्ध, ठीक है ना, आपने क्या हुआ निद्रा से जग गया। निद्रा से जगने से क्या हो गया, निद्रा क्या था ये द्वैत दर्शन ही निद्रा है, स्वरूप के अज्ञान के कारण अलग अलग स्वरूप निद्रा है। अद्वैत स्वरूपेण आत्मना का होता है भेद रहित आत्मस्वरूप में विद्यमान कर, अतः स्वप्न। अब जब भेद रहित अवस्था में अपने स्वरूप में विद्यमान कर रहे हैं तो आपका निद्रा नहीं है तो स्वप्न भी नहीं देख रहे हैं, अन्नथा ग्रहण नहीं हो रहा है। निद्रा के कारण ही अन्नथा ग्रहण हो रहा है, अज्ञान के कारण ही अन्नथा व्यवहार होता है, इसीलिए बोलते हैं अतः अस्वप्न। इसलिए यहाँ पे अस्वापात प्रबुद्ध मतलब ये अनादि माया निद्रा से अभी अब जग गए। दो नंबर टिप्पण प्रबुद्ध विद्वान अतः तत् स्वरूप अस्वप्न विद्यार्थ, इसलिए उनका स्वरूप क्या हो गया स्वप्न रहित स्वरूप है अभी, मतलब भेद रहित स्वरूप है अभी, अभिन्नता की भाव में बैठा हुआ विद्वान अतः प्रबुद्ध। जगह कौन इसको बोला जगह जो ज्ञान प्राप्त किया विद्वान, अतः इसलिए तत् स्वरूप में विद्वान, विद्वान मतलब शरीर नहीं है, इसलिए विद्वान की ज्ञानी के दृष्टि में कोई ज्ञानी होता ही नहीं है, ज्ञानी के दृष्टि में केवल ज्ञानी होता है ना, इसलिए बोलते हैं तत्स्वरूपम अस्वप्न। उनका स्वरूप क्या है अभी अन्नथा ग्रहण नहीं हो रहा, अभी मैं शरीर हूँ, मैं स्वामी सर्वानंद हूँ अथवा मैं स्वामी वो मुख्य भाव नहीं है, ठीक है व्यवहार के लिए व्यवहार जो समस्त नाम रूप की उपयोगिता व्यवहार नहीं मात्र है, पारमार्थिक में कोई नहीं, इसलिए हम बोलते हैं वेदना अत्र तत्स्वरूपम अस्वप्न इति अर्थ। इसलिए स्वपात प्रबुद्ध अद्वैत स्वरूपेण आत्मना स्वरूप अतः अस्वप्न। अस्वप्न मत यहाँ पे अभी स्वप्न क्या था मैं मनुष्य और अस्वप्न क्या है मैं असंग क्या था है ना, मैं मनुष्य हूँ ये स्वप्न का मैं लगा था मस्त बात को ना जाने कितना कितना और बनाते रहते हैं, और फिर जो है अब क्या स्थिति अस्वप्न। इसलिए तीन नंबर टिप्पण मिलकर ब्रह्म एक हो मैं असंग क्या तो हूँ है ना, स्थिति में पहुंचे हैं अस्वप्न। अप्रबोध कृते ही अस्य नाम रूपे, ये जो नाम स्वरूप नाम रूपे ना, ये नाम और रूप क्या था अब जगे नहीं थे, अपने स्वरूप के प्रति जागृत नहीं था, इसीलिए ये नाम रूप दिखाई दे रहा, इसीलिए अप्रबोध कृते ही अस्य अस्य विदुष अभिधुते चार नंबर टिप्पणी में अस्य विदुष जो विद्वान पुरुष जिसने अपने स्वरूप के प्रति जाग दिया उनके लिए नाम रूप था कि अप्रबोध के मतलब स्वरूप के अज्ञान के कारण माया नेत्र से जगह नहीं थे इसलिए नाम रूप दिखाई दे रहा था, अब माया नेत्र से उड़ गया इसलिए जो भी नेत्र सामने वस्तु दिखाई दे रहा उन्हें दिखाई देता है, इसलिए बोलते हैं अप्रबोध कृते ही अस्य नाम रूप चार नंबर के पढ़ने में क्या बोल रहे हैं कि विदुषस्य विदुषित विद्वान पुरुष और प्रबोधस्य जब जग गया तब क्या हो जाएगा जो सर्प अथवा जो भी मरुभूमि के ऊपर ये दृष्टम जो सबसे हमारे लिए अच्छा है क्योंकि मरुभूमि के ऊपर हमको पानी दिखाई पड़ रहा था, आपको ज्ञान हो गया वहाँ पे पानी नहीं है तो फिर पानी के पीछे दौड़ेंगे कि नहीं दौड़ेंगे वहाँ परंतु वो जो प्रतीति हो रहा था चाक्षिकता की प्रतीति वो रहेगा कि नहीं रहेगा, चाक्षिकता की प्रतीति तो रहेगी क्योंकि निश्चय रहेगा क्योंकि यही है प्रारब्ध दिखे जब तक प्रारब्ध है तब तक कुछ आक्षिप्रता दिखाई तो देता है परंतु निश्चय रहता है कि यहाँ पे पानी नहीं है कि सुखदायक नहीं है कि दुखदायक है कि हमारी तृष्णा को नहीं बुझा सकते, इसलिए प्रबोधाते जगने जगने के कारण ते से क्या लेंगे ते नाम रूपे तत्ते ताने तत्ते ताने ये न्यूट्रल डेटा है विवचन है ना तत्शब्द ग्रेटर डेन का विवचन है क्योंकि स्वते में भी आते हैं बहुवचन में और भी रमा रमे रमा सातेता तीन रमे ते आते हैं यहाँ पे इंटरजेंडर में समझ नहीं नाम रूपे द्विवचन है
ते नाम रूपे प्रबोधाच्च ते रज्जु सर्पवत विनष्ट नाम रूप दोनों रज्जु को ऊपर दिखाई दे रहा सर्प का समान नाश हो जाने के फलस्वरूप विनष्ट की सती न नाम न अभिधीयते। अब क्या है नाम के द्वारा नहीं कहा जाता न नाम न अभिधीयते। अब नाम के द्वारा अपने आइडेंटिफिकेशन नाम रूप के साथ नहीं करता जब तक कि नाम तो रह जाता है मतलब इतना पुरुष का नाम उनका पुरुष शब्द क्या बोलते हैं गता कला पंचदश प्रतिष्ठा देवेश सर्वे प्रतिदेवतासु कर्मणि विज्ञान मनुष्य आत्मा परे अपये सर्वे एक ही भवन। कितना कला को कल्पना किया था षोलश कला पुरुषम व्यक्त सोलह कला पुरुष कल्पना किया था और कितना कला लय हो रहा है और पंद्रह कला लय हो रहा है एक कला बचा वो नाम कला क्योंकि नाम कला दुष्टि ने उसको ऊपर आरोप किया था इस पिंड को ऊपर जो भी कुछ अपनापन हो तो मेरा था परंतु पिंड को जो नाम दिया था वो दुष्ट दिया था इसलिए नाम रूप कला कुछ दिन के लिए रह जाता है ताकि अपने इसीलिए यहाँ भी जो है उसका नाम रूप संबंधित जो व्यवहार है वो चला जाता है इति न नाम नाम अभिधेयत फिर नाम के द्वारा नहीं कहा जाता है नाम नाम नभिधेयत इसका क्या ब्रह्म रूप्यते ब्रह्म न नाम नाम रूप्यते नाम के द्वारा निरूपण नहीं किया जाता है न केनचित प्रकार न इति अनामकम अरूपम केवल नाम ने रूप ने किसी भी प्रकार जिसको निरूपण नहीं किया जा सकता इसलिए वो नाम रूप वाला नहीं होता अनामकम अरूपकम नाम से नहीं अरूप से नहीं हो जाता है तब वो स्थिति इस समय जैसे कुछ वस्तु दिखा वो क्या है उसका नाम क्या है कैसे उसका प्रयोग हो जाए इस संबंध में न जान पाए परंतु अपने स्वरूप के बोलने का क्या हो जाए अरे कुछ नहीं है अपने स्वरूप उस रूप में किसी वासना पर निर्भर दिखाई देगा है जो इस प्रकार से और व्यवहार से मन जुड़ जाता है कि न नाम ना अभिधीयते ब्रह्म रूप गति ब्रह्म निरूपण न केनचित प्रकार न किसी भी प्रकार से इसलिए अनामकम अरूपकम छत्र इसलिए वो नाम वाला भी नहीं है रूप वाला भी नहीं है नाम रूप से रही है वो तत्व पाँच नंबर टिप्पणी में न नाम ना अभिधीयते इसका मतलब क्या दिख रहा है देखिए शक्तिया प्रतिपाद्यते शक्ति उसी भी शब्दों को शक्तिवृत्ति से ब्रह्म नहीं कह सकते शक्तिवृत्ति एक शक्तिवृत्ति एक आपका लक्षणावृत्ति एक आपका व्यंजनावृत्ति तीन प्रकार से शब्द अर्थ निकालते हैं शक्तिवृत्ति से हमने शब्द कहा कि गाय घर पर इसका शक्तिवृत्ति से निर्दिष्ट प्रत्येक शब्द निर्दिष्ट अर्थ का ही बोधक होता है यदि उस अर्थ का बोधक नहीं होगा तो व्यवहार लुप्त हो जाएगा मतलब शब्द को उच्चारण करने से जो वृत्ति हमारे मन में उठती है वो हो गया उसकी शक्ति वृत्ति से उसका वो अर्थ है ठीक है ना ब्रह्म को प्रकाशित करने के लिए शक्ति वृत्ति से कोई शब्द नहीं हो सकता शक्ति वृत्ति से कोई शब्द उसको प्रकाशित नहीं कर सकता तो क्या होता है हम लक्षण अवृत्ति करते हैं निर्विघ्न धातु से जो है निर्विषय व्यापकता को लक्षित होता है विकसित नहीं मात्र बोलता है ब्रह्म मतलब कहते हैं निर्विषय व्यापकता इसको लक्षित इसको रोक लक्षित करते हैं ये हो गया आपका लक्षण अभिधि सबका संबंध लक्षण शक्तिवृत्ति से जो आ है उसके साथ संबंध रखते हुए हरि सावधानी से आत्मा तो सर्वदा संग वस्तु है तो उसके किसी के साथ संबंध नहीं है तुम सब लक्षण कैसे करोगे तो वहाँ भी हम एक उत्तर है आभ्यासिक तादात्म संबंध हम मान्यता देते हैं मतलब शरीर के साथ आध्यासिक तादात्म संबंध हुआ इसलिए शरीर को दिखा करके आत्मलक्षी होता शब्द संबंध लक्षण है इस शरीर का पिंड का एक नाम मनुष्य पिंड का एक नाम देकर के और इस पिंड को जिसके तहत रहने के कारण पिंड में चेतन जैसा प्रतीति होता है वो उसके द्वारा लक्षित होता है उस पिंड के मतलब लक्षण एक होता है व्यंजनावृत्ति अर्थ से भी अर्थ निकालते हैं जैसे श्लोक आता है कि गच्छ गच्छसि चेत कांत अंतान अस्तु ते शिवा ममापि जन्म तत्रैव भूयात् यत्र गतो भवान् कहते हैं हे प्रिय आप जाना चाहते हो जाइए आपका मार्ग कल्याणकारी हो और मेरा भी जन्म वहीं पे हो जाए जहाँ आप जा रहे हो क्या अर्थ हुआ इसका सबका अर्थ क्या है इसमें हे प्रिय आप जाना चाहते हो चले जाओ लक्ष्य लक्ष्य शिष्य खंतो पंथान वस्तु के सिवा आपका मार्ग शुरू हो आगे लाइन बोलता है मामा की जन्म तत्व ही वो भूया जत्र बंद जहाँ पे मतलब क्या है अब जन्म लेने के लिए आपको मरना पड़ेगा आप चले जाओगे तो मैं मर जाऊंगे तब ये व्यंजना वृत्ति बोलते इसका आर्थिक अर्थ निकलता है
जिन प्रकार से ब्रह्म को समझाने के लिए हमारे पास किसी भी प्रकार की बात बनी है, इसके बोलते टिप्पणी का लिखा शक्तियाँ प्रतिपादक है। शक्ति वृत्ति से कोई शब्द ब्रह्म को प्रतिपादन नहीं कर सकते, किसी शब्द में सामर्थ्य नहीं, यानी शक्ति वृत्ति से ब्रह्म को प्रतिपादन करते, लक्षण वृत्ति से भी नहीं है, परंतु आध्यात्मिक कालात्मक संबंध मान करके हम इसको बोलते हैं। व्यंजन अभिज्ञान की भक्ति नहीं है, सीधा शब्द बोलते ना नाम न अभिज्ञते शक्तियाँ प्रतिपाद्यते ब्रह्मो रूपते ब्रह्म को निर्भर किया जा सकता है व न के नचित प्रकार शयनम प्रतिपन्न अंतर प्रकार किंचित धर्म विशिष्ट धर्म वैशिष्ट्येन इति अर्थ किसी भी धर्म की विशेषता के साथ ब्रह्म का प्रकाशित करेंगे होना भी संभव नहीं है, निर्धर्मक है वो, और निर्धर्मक इसीलिए बोलते हैं केनचित प्रकार मतलब तो क्या कहते हैं आरोप करके समझाते हैं, आरोप करके समझाते हैं, इसलिए कार्य कारण भाव के आरोप किया गया है, इसलिए प्रकार केनचित धर्म विशिष्ट वैशिष्ट्येन किसी भी धर्म की विशेषता के साथ विशिष्ट है उसके साथ ब्रह्म का नहीं केनचित प्रकार ब्रह्म का निरूपण नहीं किया जा सकता क्योंकि वो नाम रूप धर्म गुण से रहित है, उस वस्तु का मतलब शब्दों के द्वारा प्रकाशित कर सकते हैं जिसमें अपना जाति गुण क्रिया और संबंध जाति गुण क्रिया और संबंध हो उस वस्तु को आप किसी शब्दों के द्वारा निरूपण कर सकते हैं। किसी जाति का हो तो आप बोलेंगे कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मनुष्य जाति पशु जाति उद्भिद जाति, परंतु आत्मा में कोई भी जाति को नहीं है शब्दों का पैकेट क्यों है, इसीलिए वो बोले कि सत्ता जाति होने या एक लोग बोलते हैं हम सत्ता को जाति नहीं मानते, अनेकों में रहने वाले धर्म को जाति बोलते हमारे पास अनेक है ही नहीं एक ही वस्तु है सत्ता उसका जाति गुण आत्मा निर्गुण है जिसे कोई भी गुण नहीं आत्मा सारा गुण बौद्धिक गुण धन शरीर में है आत्मा में नहीं है इसीलिए आत्मा निर्गुण है, इसीलिए यदि गुण होता तब हम बोलते अच्छा बुरा गोरा काला लंबा चौटा ये सब बोल सकते नहीं बोल सकते गुण मिलगुण मतलब जाति गुण क्रिया यदि कोई क्रिया के साथ संबंध होता जैसे हम बोलते हैं प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर अथवा पेंटर कारपेंटर जो बोलते हैं प्रोफेशन होता है तो उस के द्वारा क्रिया के द्वारा समय पाचक दायक नायक इस प्रकार शब्द उपयोग कर सकते थे, परंतु उसका अंदर कोई क्रिया भी नहीं है जाति गुण क्रिया इसके द्वारा नहीं संबंध जा सकते। और इसी में चौथा हो गया संबंध अकेला है किसी के संबंध इसका गुरु इसका चेला उसका दादा उसका चाचा इस प्रकार के संबंध के साथ बोलते हैं वो भी नहीं है वो अकेला है। जिस वस्तु के अंदर ये चार में से किसी एक चीज़ होगा जाति गुण क्रिया संबंध उसको तो शब्द के द्वारा समझाया जा सकता है, इसलिए शक्तियाँ प्रतिपाद्यति अभिधीयत अगर न आगे चाहे उसको शक्ति वृत्ति से हम उसको प्रतिपादन नहीं कर सकते ना कि किसी प्रकार ही नहीं कोई भी धर्म के साथ भी नहीं प्रकाश कर सकते क्योंकि जाति गुण क्रिया संबंध से रहित होंगे पहले बोलता है जो कथन करके आया भाष्यकार तो उसके लिए बोलते हैं भाष्यकार के प्रत्येक स्टेटमेंट में श्रुति वाक्य के अंदर रेनफोर्स होते हैं जब फिर स्टेटमेंट इज रेनफोर्स होते श्रुति स्टेटमेंट तो भाष्यकार काम में जो इसको बोला तो उसको ये श्रुति प्रमाण दे रहा है जब वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहन्ते इति उपनिषद् उच्चारते तो यहाँ पे जब वाचो निवर्तन्ते इत्यादि श्रुति इस प्रकार श्रुति मंदिर ठीक है यहाँ तक पहला रहते हैं तो क्या स्थिति होती है वहाँ पे तो वो तो उसका समय किंच और भी सत्विक विभातम है ना सत्विक मतलब होता है एक है ना सत्विक मतलब एक मतलब पूर्ण सत्विक विभातम मतलब सदैव विभातम हमेशा प्रकाश है सदा भारूपम है ना हमेशा प्रकाश रूपी है ना प्रकाश करने वाला है अग्रहण अन्यथा ग्रहण आविर्भाव तिरभाव वर्जितत्वात् जो शब्द पहले प्रयोग करके आया उसी शब्द को हमको नया शब्द कुछ नहीं उसी को दोबारा मन में बैठाने के लिए फिर हमें क्या बोला अग्रहण मतलब अविद्या और अन्यथा ग्रहण मतलब स्वप्न निद्रा और स्वप्न से रहित हो गए अभी हम निद्रा और स्वप्न से रहित हो जाने के कारण अग्रहण अन्यथा ग्रहण आविर्भाव तिरभाव वर्जितत्वात् आविर्भाव तिरभाव मतलब क्या हो गया यदि आपको अग्रहण आविर्भाव किसका होता है किसी नाम और रूप का आविर्भाव होता है और उसका तिरुभाव भी होता है पर अभी क्या है नाम रूप से रहित हो गया नाम रूप से परे जो तत्व है उसको समझ गया वहाँ पे आविर्भाव तिरुभाव नहीं है फिर तो क्यों क्योंकि अग्रहण और अन्यथा ग्रहण नहीं हो रहा है इसलिए सदा भारूपम अग्रहण अन्यथा ग्रहण आविर्भाव तिरुभाव उसे प्राप्त कर दिया आविर्भाव तिरुभाव से वर्जित होने के कारण मतलब वहाँ उत्पत्ति नाश नहीं होता ग्रहण अग्रहण क्या सूर्य में दिन रात्रि की हम व्यवहार करते हैं
और जब हम कोशिश करते हैं कि सच है, तब सूर्य में दिन प्राप्ति है कि नहीं है बताइए, कहाँ है हमारे व्यवहार है मन है ना, हमारे आँख के पीछे चले जाए दृष्टि के अगोचर हो जाते हैं तो रात हो गया, और दृष्टि गोचर में आते हैं तो दिन हो गया, दिन रात सूर्य में नहीं, दिन रात सूर्य में नहीं। ठीक इसी प्रकार से आत्मा में, आत्मा बिना उत्पत्ति विनाश नहीं है, शरीर के साथ तादात्म्यता हुई तो वहाँ पर उत्पत्ति की दिखाई पड़ता है, नाश हो गया तो विनाश हो गया, नहीं दिखाई पड़ता शरीर तो अब विनाश हो गया, वास्तविक शक्ति दिमागम जैसे सूर्य के दिन रात नहीं है, वो हमारी कल्पना से हम व्यवहार करते, इस प्रकार आत्मा में जन्म मृत्यु शरीर आदि कुछ नहीं, हम कल्पना से व्यवहार करते रहते हैं। इसी तरह बोलते हैं ग्रहण अग्रहण ही रात्रि अहनी तमश्च अविद्या लक्षण है ना, ये ग्रहण और अहग्रहण है रात और दिन के समान, दिन और रात के समान, और अविद्या रूप है तमश्च मतलब आवरणात्मक है, अविद्या अविद्या के द्वारा लक्षित होता है, दिन रात जो है अज्ञान के द्वारा लक्षित होता है, परंतु सदा अप्रभाते अप्रभातत्व कारण मतलब ये जो है सदा अप्रभातत्व कारण तब अभव मतलब अप्रभात प्रकाश, हमेशा जो प्रकाश है उस प्रकाश को देखने नहीं देता, हमेशा नित्य प्रकाश को देखने नहीं देता, क्यों हम दिन रात की कल्पना करेंगे, दिन रात की कल्पना करेंगे इसलिए कभी दिव्य प्रकाश है कभी प्रकाश नहीं है ऐसा मान लिया, इसलिए बोलते हैं ग्रहण अग्रहण ही रात्रि अहरि दिन रात को सुनतम मतलब आवरणात्म अविद्या लक्षण जो अज्ञान के कारण जो लक्षित हो जाए सदा अप्रभा तत्व कारण हमेशा अप्रकाशित है, इसके लिए वही कारण बनते हैं कौन अविद्या के कारण लक्षित होता है जो आवरण तत् अभाव। अभी क्या हो गया, अभी आपने समझ गया क्या सूर्य में देव रात नहीं है, आत्मा में जन्म मित्र नहीं है, आत्मा में कोई धर्म नहीं है, आत्मा सर्वथा अभिकारी व्यापक है, तद अभाव इस प्रकार से ये मतलब ग्रहण अग्रहण अथवा अग्रहण अन्यथा ग्रहण का अभाव हो गया, तद अभाव नित्य चैतन्य भारूपत्वात् क्या हो गया, नित्य चेतन अप्रकाश रूप होने के कारण नित्य चैतन्य भारूपत्व, नित्य दोनों के साथ होगा नित्य चैतन्य नित्य भारूप है ना, नित्य एक चेतन और प्रकाश स्वरूप होने के कारण चुप कर ये कहना युक्ति संगत है क्या, सकृत विभात है ना, हमेशा प्रकाशित है सकृत विभात है हमेशा प्रकाशित है, आत्मा के प्रकाश कभी भी जिस समय जागृत काल में स्वप्न काल में सुषुप्ति काल में तीन अवस्था में आत्मा के प्रकाश एक ही प्रकार है सब मतलब तीन अवस्था को प्रकाशित करते हुए वो अपने आप को जो है प्रकाशित कर रहे हैं, परंतु हम तो तीनों अवस्था के अंदर रह जाने के कारण मानवीय के कन्फाइंड हो जाने से हमें अपना स्वरूप का बोध नहीं होता, इसलिए केनो उपनिषद बहुत सुंदर स्वरूप होता है प्रतिबोधम विदितम मतम अमृतम प्रत्येक बोध के साथ बोध स्वरूप आत्मा का भी बोध होता है ना, मैंने जाना ये मैं कभी जानता मैं तो तला दे रहा है ना प्रत्येक बोध के साथ, परंतु हम क्या होता है जिस वस्तु का हमको समझ में आया उस वस्तु संबंधित नाम रूप और अर्थ क्रिया घटना में मन अटक जाता है, इसीलिए उसके पीछे जो बोध स्वरूप आत्मा है जिसके रहने का गर्व उस वहाँ तक दृष्टि नहीं जाती, अब आपने क्या किया उसको पार करके उस बैरियर को अपने तोड़ दिया, इसको मतलब कहता है कि वहाँ पे सदा अप्रभा तब अभाव था उसका अभाव हो जाने के कारण नित्य चैतन्य भारूपत्व अब नित्य चैतन्य प्रकाश स्वरूप एक नित्य प्रकाश स्वरूप होने के कारण जुक्त अभी कहना है युक्ति संगत है क्या सत्य विभाषण मतलब एक बार चल के हमेशा प्रकाश अतएव सर्वम च तद्भव यहाँ पे सर्वम जानाति यहाँ पे ज्ञान क्योंकि क्रिया नहीं है कुछ यहाँ पे मतलब सर्व अलग है, मैं घट को जाना पट को जाना मन को जाना पहाड़ को जाना नदी को जाना ये नहीं है यहाँ पे सर्व क्रिया, यहाँ पे क्या सर्वश्च सो भ्रष्ट ये भी कुछ दिखाई दे रहा है नाम की प्रतीति नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ जैसे ज्ञान होने के बाद भी मरुभूमि में चाक्षिकता दिखाई दे रहा है, तो चाक्षिकता क्या है वो हमारे चाक्षिकता है मतलब मैंने उसको सत्ता स्फूर्ति प्रदान किया तब तो दिखाई देगा दिखाई दिखाई देने पर भी वो क्या होता है जो आते हैं सर्वम च तद्भव च जो भी कुछ दिखाई देता है हमारे स्वरूप से भिन्न नहीं है क्योंकि सभी के अंदर मैं ही नव रूप में मतलब चेतन रूप में सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने के लिए मैं ही वहाँ बैठा हूँ, ये हो गया सर्वज्ञ इस बात सर्वम जाना कि सर्वज्ञ नहीं है सर्वस्व अशुभ
सर्वम जानाति कर्मधारय समासः सर्वस्य चलिए तत्पुरुष समासः और ये सर्वस्य सर्वस्य कर्मधारय समासः जो सर्व है वही इस प्रकार ब्रह्म की ऐसी स्थिति है न ही हम ब्रह्मणि मतलब एवं विध उपचरणम उपचार करते इस प्रकार ब्रह्म स्थिति में आने के बाद फिर उसको रक्षा करने के लिए अथवा मैं नहीं करूँगा ये सब कुछ नहीं करना है। अगर पहले से ही ये समझ में आ जाता है हम स्वरूप से नित्य है तो हर प्रकार की मतलब साधन की प्रवृत्ति और साधन करना गलत नहीं है परंतु साधन की प्रवृत्ति क्यों हो रही है हमें क्योंकि मैं बंधन में हूँ मेरे को मुक्त होना है और फिर उस प्रकार के साधन हम भोगते हैं मतलब जिस प्रकार के अनुकूल हमको लगता है परंतु ये सब अनुकूलता प्रतिकूलता ये मन और बुद्धि की बुद्धि यदि पहले से ये सुंदर निश्चय कर लेते हैं बना के बोलेंगे कि सारा जीव जन्म से ही मुक्त है इसके लिए कोई अलग करके प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। अयम एव हिदे बंध जनक मुक्त इच्छा से अरे जनक यही तुम्हारी बंधन है कि तुम मुक्ति की इच्छा कर रहे हो अष्टावक्र गीत है अयम एव हिदे बंध जनक मुक्त इच्छा से यही तो तुम्हारी बंधन है कि तुम मुक्ति की इच्छा करते हो कि अद्भुत मंडली पिक्चर यही पारमार्थिक स्थिति यही है इसलिए बोलते हैं न यह एवं विध न यह मतलब यह ब्रह्मणि पंचकम एवं विध इस प्रकार की अपना संपदा पूर्ण है उपचरणम है ना उपचरण बोलते हैं जिस प्रकार कुछ व्यवहार करना उपचार कर्तव्य कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता कर्तव्य कुछ भी नहीं करना चाहो वहाँ पे कर्तव्य पूर्ण हो जाता है मनुष्य यथा आगे क्या लिखा है यथा क्या लिखे कैसे बना छे कौन सा विभक्ति वचन है षष्ठी बहुवचन ये अन्न जो है आपका सर्वाधिक अंग में आता है अन्न सर्वाधिक अंग में आता है फर्क क्या आत्मस्वरूप व्यतिरेक समाधानादि उपचार इस प्रकार अन्नवादियों के सिद्धांत में आत्मा से भिन्न करके अलग प्रकार के मन को समाधान करो विरोध करो ये सब अलग अलग बोला जाता है वेदांतिक सिद्धांत में कौन सा जो सारा वस्तु मिथ्या है मिथ्या वस्तु रज्जु के ऊपर दिखाई देना सर्प को लेकर करके आचरण कर सकते हो रज्जु के ऊपर दिखाई देना सर्प को लेकर का क्या व्यवहार कर सकते हो इसलिए पहले से यदि निश्चय का मिथ्या वस्तु को लेकर के क्या दिखाई देता है अन्य शाम आत्मचर्य को क्या एक है ना समाधान आदि उपचार उसको समाधान करो उसको ये कहो ये कर्तव्य ये सत्य उपचार है क्यों नहीं करना चाहिए क्योंकि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत्वाद ब्रह्मणः है ना इसलिए हमारी व्यापकता हमारी पूर्णता हम सर्व है हम नित्य है हम शुद्ध है हम हमेशा रहने वाला जन्म मृत्यु से रहते हैं शुद्ध मतलब हमारे से भिन्न कोई वस्तु संसार में है नहीं जिसके साथ हम संपर्क कर सकते हैं बुद्ध मतलब मैंने जड़ नहीं हूँ चेतन हूँ जड़ तो शरीर के धर्म है और मुक्त बंधन का दिखाया ही नहीं मुझे अथवा मैं नित्य शुद्ध हूँ मैं नित्य बुद्ध हूँ मैं नित्य मुक्त हूँ है ना नित्य को अलग करके भी ले सकते हैं नित्य का तीनों का विशेषण के रूप में काम कर सकते हैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव तत्स्वरूप ब्रह्मण इसलिए हमें किसी भी प्रकार की साधना की आवश्यकता नहीं है। डोंट डू व्हाट यू वांट टू डू यू विल बी सबल ये ब्रह्मानंद सरस्वती मंत्र वाले थे देख लिया था कि इस बच्चे के अंदर शामिल होता है मन जो बोलता है वही करता
तो शाम का आए लेकर गाय जंगल में गए थे, रात को समय हुआ तो मन बोलता है क्या चलो वापस चलो, एकदम याद है महात्मा ने बोलता है कि मन जो बोलता है नहीं गया, बस नहीं गया। एक दिन दो दिन तीन दिन जिसने बोल करके गया था उनको तो पता है वहाँ क्या हो रहा है, मैं चलते हो गया कर किसी भी कर्तव्य बुद्धि मन में उठता ही नहीं है। अविद्या नाश अविद्या नाश अविद्या नाश अविद्या नाश हो जाने पर किसी भी प्रकार का कर्तव्य बुद्धि मन में उठता ही नहीं है, इसी अर्थ के लिए इसके अभिज्ञ करते हैं। यहाँ पे तो बुद्धि का नहीं है। अच्छा जिसके अभाव हो जाने के कारण अद्यतम जन्म रही तत्व को प्रतिपादन किया जाता है तब आह उसको उत्तर में क्या कहते हैं टीका में ना तब बोलते हैं अविद्या निमित्तम ही जन्म क्या तो अविद्या के कारण जन्म होता है। अगर सर्वगत चुप देखेगा सर्वप्रति समान क्योंकि अगोचम यह पहले बोल करके आया टीका में कुतस्थरी तन निवृत्त अजित सिद्धि तब कैसे उसकी निवृत्त से अजित सिद्धि तो पहले से है तत्र आह वो कैसे हुआ मतलब कैसे उसका निवृत्ति कुतस्थरी तन निवृत्त उस अविद्या की निवृत्ति से अजित सिद्ध अजित सिद्ध होगा तो पहले से है पहले से मन के कारण तो अज्ञान के कारण प्रतीति नहीं हो रहा था अब प्रति वो ज्ञान के प्रतीति हो जाता है साच अविद्या आत्मसत्व अनुबोधन निरुद्धा हो जो अविद्या आत्मा के यथार्थ सत्य अनुभव के द्वारा वो रूप गया क्योंकि वो रूप गया अत अचक इसलिए वो जन्म नहीं है अतएव अनिद्रम श्री भवे निद्रा भी नहीं है। टीका का इसके लिख रहे निमित्त निवृत्तिया अजंत सिद्धे युक्तम अनिद्रतम मतलब निमित्त चला गया निमित्त अभावे नैमित्तिक अभाव जिसके निमित्त से जो दिखाई दे रहा था निमित्त हट गया तो नैमित्तिक भी हट जाता है। जैसा हमारे पास वो आया था ना क्या बा गुरु मुह स्नुह सिंह आया तो वहाँ पे धातु धातु का रूप मूर्ध स और मूर्ध न था। अभी रात का सूत्र क्या बोला उस निमित्त से नैमित्त क्या था मूर्ध न दंत न हो जाता है यही चिंता को निमित्त है तो नैमित्त दिखाई पड़ता अब निमित्त क्या तो घट गया इसलिए नैमित्त नहीं है। निमित्त निवृत्तिया निमित्त की निवृत्ति हो जाने पर अदत्त सिद्ध जन्म वेदत्त सिद्ध हो जाने से युक्त में कहना युक्ति संगत है क्या अनित्रम मतलब अभी आपका तत्सम्बन्धित अज्ञान नहीं है अनित्रम अग्रहण नहीं है अभी ग्रहण हो रहा है इसलिए अनित्रम निद्रा शब्देन अविद्या अभिलापा निद्रा शब्द के द्वारा अब अज्ञान को ही कहा गया है निद्रा तत्त्वम अजाना तो तत्व के अज्ञान को ही निद्रा शब्द के द्वारा हम कहते हैं। इसलिए अनादि माया नित्य जीव अनादि माया नित्य अनादि कल से अविद्या के चक्र में घूम रहा है निद्रा शब्देन अविद्या अभिलावा इति आह अतएव अनिद्रम ठीक है आगे ही कर रहे हैं ठीक है ना ठीक है। तीसरा वाला थर्ड में तीसरा वाला नहीं कल तो सेकेंड हो गया शांतस्तमोहांधकार घोरे उपजन उदतवती यदपादिनाम सुधि सम विनय प्राप्तिरक्रायमोहा ओम।
शांति शंकरं शंकराचार्यं केशवं मातरायणं शुक्रभाष्यवन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरावेति मुक्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय